तो फाइनली ये खबर आ चुकी है कि वर्ल्ड T20 पोस्टपोन हो चुका है। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं क्रिकेट मेरी जान। 2 महीने से जिस वर्ल्ड कप पे अड़चने लगी हुई थी, 4-5 मीटिंग हो चुकी थी ICC की, जिसमें फैसला लिया ही नहीं जा रहा था वर्ल्ड कप को लेकर कि वर्ल्ड कप होगा या नहीं होगा। आज शाम को ये बैठक हुई जिसमें वर्ल्ड T20 को पोस्टपोन कर दिया गया है। और इस साल का जो वर्ल्ड T20 होने वाला था वो 2022 में होगा, 2021 में भी एक वर्ल्ड T20 होगा अक्टूबर नवंबर में, 2022 में भी अक्टूबर नवंबर में वर्ल्ड T20 होगा, और सरप्राइज 2023 में भी वर्ल्ड T20 होगा अक्टूबर और नवंबर के महीने में। मतलब 3 साल लगातार अब हमें T20 वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा। तो T20 वर्ल्ड कप के पोस्टपोन होने से अब IPL 2020 पे तो मोहर लग ही चुका है। बस एक काम करना है BCCI को, जो कि है इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेना। तो भाई IPL 26 सितंबर से UAE में तो होगा ही, लेकिन इसके लिए भी BCCI को इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। BCCI को इंडियन गवर्नमेंट से IPL बाहर ले जाने की इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगर इंडियन गवर्नमेंट इजाज़त दे देती है तो ही BCCI IPL करवा पाएगी। तो भाई मेरी मानो तो इंडियन गवर्नमेंट इजीली परमिशन दे देगी IPL 2020 को बाहर ले जाने की, और इस वजह से IPL का हर रास्ते का कांटा हट जाएगा। पहले था एशिया कप जो कि बहुत पहले ही पोस्टपोन हो चुका है, और अब T20 वर्ल्ड कप के पोस्टपोन होने की वजह से IPL 2020 मान ही लो यार 26 सितंबर से देखने के लिए तैयार हो जाओ। सो यार आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि जिस IPL को देखने के लिए हम महीनों से इंतज़ार कर रहे थे, बस 2 महीने का वक्त और है। पहला मैच मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स 26 सितंबर की रात 8 बजे। वाह मज़ा आने वाला है। तो यार आप भी बताओ आप कितना एक्साइटेड हो इस साल के IPL के लिए। UAE में IPL होगा मेरे भाई। तो यार बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस खुशखबरी के बाद एक लाइक तो बनता है। तो यार और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अगर अब तक आपने नहीं किया है, और उस बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा देना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक और रोमांचक खबर के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से गुड बाय।